नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं अल्पेश जोशी, स्वागत है देखो फिर आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के सारे ग्रहों के साथ कनेक्शंस और आपके पास्ट लाइफ। देखिए, केतु जो ग्रह होता है हमारी कुंडली में, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से जो हम कर्मा लेते हुए आ रहे हैं, कैरी करते हुए आ रहे हैं, और जो पास्ट लाइफ के कर्म्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। कोई ना कोई पास्ट लाइफ का डेप्ट हो, या कोई ऋण रह गया हो, या फिर कोई कनेक्शन हो हमारे किसी से, तो केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु जैसे फॉर एग्जाम्पल, केतु सन की युति आपने किसी भी भाव में, किसी कुंडली में पाई, किसी भी भाव में, किसी भी जाति का के, तो आप एक चीज़ देखना है, मैंने पर्सनली देखी है, एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे व्यक्ति का फादर से कुछ ना कुछ लिंकेज होता है पास्ट लाइफ का। ऐसा नहीं होगा तो एक चीज़ ज़रूर होगी कि ऐसे व्यक्ति अपने परिवार में, ऐसे व्यक्ति का किसी ना किसी, या तो वो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हो सकता है, या न सॉरी मेडिकल नहीं, वो किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, उनकी फैमिली में कोई, उनके दादाजी नाना जी कोई ना कोई, या फिर केतु सन का जब कंजेक्शन होता है तो ऐसा व्यक्ति की जो पहली संतान होती है ना, उससे भी उसका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन पाया जाता है। केतु सन की युति व्यक्ति को नाम भी अच्छा दे सकती है, अगर उसके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म रहे तो इस जन्म में वो व्यक्ति ज़रूर अपने परिवार में सबसे ज़्यादा नाम रोशन करता हुआ देखा गया है। अब जैसे किसी का मैंने बोला है कि केतु मार्स हो, केतु मार्स आपके भाई से आपका कोई लिंकेज हो सकता है पास्ट लाइफ का, जो आप इस जन्म में उस बार, और ऐसे मैंने देखा केतु मंगल वालों की भाई की नहीं पटती, कई बार मंगल उचका हो तो बात अलग हो जाएगी, मंगल डेबलेटेड हो तो, और केतु मंगल की युति डेबलेटेड हो जाए तो मैंने एक चीज़ देखा है कि भाई का ऋण पूरा कंप्लीट करना पड़ता है इस जन्म में, व्यक्ति की भाई से नहीं बनती, भाई बहनों से। आप देख लेना ये चीज़, केतु मंगल होगा तो व्यक्ति का भाई से भाई का ऋण देना, अपने मित्र यारों से नहीं बनना, मित्रों से धोखा, ये चीज़ कहीं ना कहीं रहती है केतु मार्स। अब किसी का केतु मून हो तो माँ से आपके पास्ट लाइफ का कोई ना कोई लिंकेज है, कनेक्शन है, आप इस जन्म में वो ऋण आपको कंप्लीट करना है डेप्ट, और प्लस आप उस कर्मा कार्मिक पैटर्न को इसमें अभी आप उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड भी करोगे आगे। और एक और चीज़ है कि वो आप कैरी भी कर रहे हो, ठीक है। केतु मून जो होते हैं ना, ये लोग आप देखना, इनकी माता जी को भी कुछ ना कुछ परेशानी रहती रहती है, या तो वो स्वास्थ्य संबंधित होगी या इनकी माता जी बहुत धार्मिक होगी, ठीक है। और ये अपने मदर के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ये छोटी छोटी बातों पे रो जाएं, आप देख लेना केतु मून या केतु मून ट्राइन में हो, ये बहुत इमोशनल पर्सनस होंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल माइंडेड, इनका माइंड जो होता है ना बहुत ज़्यादा डीप जाके सोचता है चीज़ों को, जो कोई नहीं सोच सकता, जड़ तक चले जाते हैं चीज़ों की। अब जैसे किसी का मैं आपको बताऊँ, केतु केतु सैटर्न हो, कुछ ना कुछ आपका कनेक्शंस रहेगा किसके साथ, लेबर्स के साथ। अब ये चीज़ आप मत बोलना कि ये कैसे बहुतों के कुंडली में केतु शैतान होगा तो ऐसा होगा, नॉट एट ऑल, बट बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। पर केतु शनि मैंने देखा है आपके आपके नाना जी से भी कोई कनेक्शंस हो सकते हैं, या फिर आपके घर में किसी बुजुर्ग इंसान से आपका कोई पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो सकता है, या आप ऐसा नहीं होगा तो केतु शैतान का मैंने एक और चीज़ देखा है कि ऐसे व्यक्ति के ना पास्ट लाइफ के कार्मिक मतलब कर्म जो रहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा वो डिपेंड करता है कुंडली पे किस तरीके के रहे होंगे, बट केतु सैटर्न वाले ना बहुत ही ज़्यादा योगी टाइप के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ये लोग देने की क्षमता रखते हैं और ये लोग कर्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी रहते हैं। केतु सैटर्न वाले को मैंने कई बार देखा कि ऐसे लोग एक टिक कर काम नहीं कर पाते, ये लोग चीज़ों को ब्रेक कर करके काम करते हैं, पर ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, डीप में जाके काम कर्म जो होता है ना ये लोग कर लेते हैं अच्छा, और ये बहुत अच्छे हीलर एस्ट्रोलॉजर भी बनते हुए देखे गए हैं, मेडिकल प्रोफेशन में भी देखे गए हैं। अब केतु जिसका, केतु मून हो गया, मार्स हो गया, सन हो गया, केतु वीनस हो तो आपका वाइफ से आपका कोई, आपका जो पार्टनर मिलेगा या आपके रिलेशन रहे होंगे, आपके कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स रहे हैं पास्ट लाइफ के, वो डेप्ट आपने पूरे भी किए होंगे, टूटे भी होंगे रिलेशन। केतु वीनस आपके वाइफ से आपको या तो वो बीमार रहेंगी या उनसे कोई ना कोई लिंकेज रहेगा, केतु वीनस, ठीक है। और केतु वीनस हुआ, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, केतु मून हो गए, केतु जुपिटर, आपके गुरुओं से आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, जो आपको आप इस जन्म में कैरी भी कर रहे हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। केतु जुपिटर वाले जो लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में ना कोई ऐसा देखना कि टीचर हो सकता है, देखने को मिल सकता है, या ऐसा नहीं हो तो ये चीज़ हो सकती है कि केतु जुपिटर जब भी होगा ना, तो ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को साइनस इश्यूज हो सकते हैं, पूछना आप, किसी को साइनस रिलेटेड इश्यूज हो या स्टोमक, तो ये नेगेटिवली काम कर रही है, और पॉजिटिवली अगर वर्क कर रही होगी किसी की कुंडली में, तो केतु जो घर में कोई ना कोई टीचर हो सकता है, अच्छे सरकारी टीचिंग
सूर्य भी अगर कहीं ट्राइन में आ जाए तो होगा सरकारी उसमें, बट केतु जुपिटर मैंने देखा घर में कोई ना कोई अच्छी टीचिंग प्रोफेशन में देखे गए हैं। तो आप मेरे को इस चीज़ का बताना ज़रूर दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।